किस तरह की कहानी को मेगा असर देंगे अंजाम, क्या डार्क फिक्शन जेनरे बन सकती है फिल्म का हिस्सा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज, और मैं आपकी होस्ट और दोस्त लीशा चुपटा सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम डार्क फिक्शन के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 1995 के दौर में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था करण अर्जुन। इस फिल्म में सलमान खान जा करण सिंह के किरदार में थे, वहीं ऐसा के अर्जुन बने थे। दोनों ही एक दूसरे के भाई का किरदार निभा रहे थे, जिनकी कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग थी। इस फिल्म में इन दोनों कलाकारों के अलावा राखी गुलजार, कजोल और ममता कुलकर्णी जैसी एक्ट्रेसेस भी थी, जिन्होंने अपने तरीके से फिल्म को काफी कुछ दिया था। फिल्म के विलन दुर्जन सिंह थे, जिसका किरदार अमरीश पुरी ने निभाया था। अब इस फिल्म के 27 साल बाद इसके सीक्वल की खबर सुर्खियों में बनी हुई है। हर कोई इस फिल्म की कहानी और उसके पात्र के बारे में जानने को काफी उत्सुक है। हम आपको इसके कंसेप्ट से रूबरू कराते हैं, जिससे आपको पता चले कि आखिर किस तरह की कहानी को मेकर्स हमारे सामने परोसेंगे। अब करण अर्जुन 90s के दौरान दो भाइयों के प्यार भरे रिश्ते हमारे सामने लेकर आई थी। अब जिसमें ना सिर्फ भाइयों का प्यार दिखा था, बल्कि एक माँ और बेटे की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी देखने को मिली थी। वहीं करण अर्जुन 2 एक ट्विस्ट के साथ आ सकती है, जिसमें ऐसे दो भाइयों की कहानी होगी जो दूसरे को भले ही पसंद ना करते हो, लेकिन अपने पिता की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हो। ये कहानी असल में एक नॉवल से इंस्पायर्ड हो सकती है, जिसका नाम था द वाइल्ड लाफ्टर। हालांकि इस नॉवल के यूरोपियन कल्चर को हटा दें, तो ये नॉवल एक अच्छी कहानी दे सकती है। हमें इस कहानी में नए रूप से हम देखने को मौका मिल सकता है, जिसमें दो भाई एक इंसान के बेटे होते हैं, जहां एक शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरा करके अपने आप को बड़ा आदमी बनाने में लग जाता है, वहीं दूसरा भाई खेतों में काम करता है। हालांकि आर्थिक तंगी यानी कि प्रॉब्लम की वजह से उसके पिता को अपने खेत बेचने पर मजबूर कर देती है, वहीं दोनों भाइयों की अपनी अपनी अलग राय होती है, जिस वजह से उनके रिश्ते में नया मोड़ आता है। जब शहर गया बेटा वापस अपने गांव आता है, तब उसे अपने बूढ़े पिता की इच्छा के बारे में पता चलता है, जिसमें पिता अपने दोनों बेटों से अपने खेत और उसके आगे की विरासत संभालने को कहता है। हालांकि ये सब इन दोनों भाइयों पे डिपेंड करेगा कि क्या वो अपने पिता के लिए वापस एक साथ आना चाहते हैं या नहीं, और पर क्या उनके पिता की ये इच्छा दोनों भाइयों के रिश्ते की कड़वाहट को हमेशा के लिए दूर कर देगी या नहीं। इन बातों को हम आने वाले सीक्वल में देखने की उम्मीद कर सकते हैं। इस कहानी में दो भाइयों के रिश्ते का एक अलग ही पहलू हमें देखने को मिलेगा, और साथ ही हमारे देश के किसान किस तरह की जिंदगी जीते हैं, ये भी हमें इसी कहानी में देखने को मिल सकता है। वैसे आपका क्या ख्याल है, आप ऐसी कहानी देखना पसंद करोगे करण अर्जुन 2 में? अपने व्यूज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।